देखो उस चीज का मैं जिंदा गवाह हूं। 14 बार हमलों के बाद जख्मी शरीर है, शरीर में प्लेटें हैं लोहे की, मैं गवाह हूं। खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बार बार कहता हूं बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारा टूटा शरीर हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र था, है और रहेगा। ये मुट्ठी भर लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ये आज का भारत है, ये है बोलो, ये आज का भारत है। संभल जाए, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को कि भूखे नंगे पाकिस्तान के इशारों पे आज हमारी पूरी सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं। आप कौम के ठेकेदार हैं क्या? पंजाब के बाहर जो सिख समाज है पूरे हिंदुस्तान में अच्छे कारोबार, पंजाब से अच्छे कारोबार करते हैं, गुरुद्वारा साहब सजाए हुए, क्या उनका फिक्र है आपको? इतना बड़ा नुकसान इन्होंने कर दिया। 84 के दंगे हुए, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, पंजाब में 36,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। क्यों हुआ? उसके लिए व्हाइट पेपर जारी हो, इसका कौन जिम्मेदार है? और मैं ये कहूंगा इन खालिस्तानियों को एक ही जवाब है, चाहे कनाडा हो चाहे पंजाब में हो, जितने भी हिंदुस्तान के पवित्र गुरुद्वारा स्थान है, हाथ जोड़ के कहूंगा जब भी खालिस्तान की मांग उठे गुरुद्वारा साहब में अपना संगत को बुलाएं, अपने समाज के लोगों को बुलाएं, भाई बहनों को बुलाएं, मीडिया को बुला के सबके सामने कहे हम खालिस्तान नहीं चाहते। हमारी विदेश पॉलिसी दुनिया पे एक नंबर पे है। सबसे बड़ी जो फख्र की बात है, सिख कौम के आगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सिर झुकाते हैं। चाहे लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, एक तरफ कहां बैठे थे? इंडिया गेट के अंदर राष्ट्रपति के साथ। चाहते तो गोली चल सकती थी, उन्होंने कहा मेरे सिख भाई पे को लाठी ने चले ना गोली ने चले, पुलिस रोलते रहे, पुलिस वालों को नीचे उठाते रहे, पर नरेंद्र मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। अब आप उसके बावजूद उसको आप कमजोरी समझ लो, किसान आंदोलन के बाद कमजोरी समझ लो कि नरेंद्र मोदी जी ने सिर पे पीला परना बांध करके गुरु महाराज का कहा मुझे क्षमा कर दो। क्या 84 के दंगे हुए किसी ने क्षमा मांगी नरेंद्र मोदी जी ने? चलो आपका कानून नहीं सही बैठता, पर आप क्या उनकी कमजोरियों को गलत फायदा लेते हैं? अगर कोई सरकार या नरेंद्र मोदी या कोई पॉलिटिकल पार्टियां आपके आगे सिर झुकाती हैं या हरमंदर साहब में हर कौम सिर झुकाती है, तो उसका मतलब ये मत समझो कि कोई डर गया। अगर भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।